हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह एंड नाउ यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी। सो दोस्तों, वंस अगेन मैं आपके लिए एक अच्छा सा लेसन्स लेकर आया हूँ जेनेटिक्स अनुवांशिकी, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे लिए गए हैं आपके एग्जाम्स में। सो उम्मीद करते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं। सो अनुवांशिकी जेनेटिक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडल्स की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवंशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं मेंडल। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। आनुवंशिकी के इकाई आनुवंशिकी का है, तो जीन आनुवंशिकी का इकाई है। ठीक है, जीन आनुवंशिकी का इकाई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्रों में जीन होते हैं, गुणसूत्रों में। और नंबर फोर पे चलते हैं, जीन है, जीन एक डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। चार ऑप्शंस दिए हैं लेकिन आप याद रखिए डीएनए का एक भाग है जीन। और नंबर फोर क्वेश्चन जो है वो है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन शब्द का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जीन शब्द का जो संश्लेषण किया था वो वैज्ञानिक खुराना थे। इन्होंने जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता वाले व्यक्तियों को लाल रंग दिखाई देगा, लाल रंग इनको हरा दिखाई देता है जिसको भी ये बीमारी होती है। एक वर्णांध पुरुष का एक समान महिला से विवाह जब करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न हो गए तो पुत्रियों में होते हैं, पुत्रियों के पुत्र में होते हैं। ऑप्शन डी इट्स राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिकी है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिकी है? तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऑप्शन ए इट्स राइट आंसर। हीमोफीलिया व्याधि आनुवांशिक है। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके सूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में क्या होता है? तो गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। डीएनए, सॉरी, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए तथा और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए डीएनए का जो पहचान करने के लिए उपयोगी होता है, माता पिता को पहचान करने के लिए, बलात्कारी, चोर, ये चारों एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स तो आनुवांशिकता और विचरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये ऑप्शंस आपके चार ऑप्शंस राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। जीन के समिश्रण से, जीन के मिश्रण से एंड क्रोमोसोम में बदलाव, तो उपयुक्त सही आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन, प्रजनन, प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। तो उत्परिवर्तन सी ऑप्शन आपका सही है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? 44A+XO, ऑप्शन ए इट्स द राइट आंसर। सो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी एक्चुअली प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो इसलिए आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो इन्हें याद कर लीजिए और नेक्स्ट लेसन्स में फिर से मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो फिर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट सेशंस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।
थैंक यू।